तो व्हाट्सअप गाइस, अगर आप एक एडिटर हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक बहुत ही ज्यादा देखना जरूरी है, क्योंकि आज इसमें अपने YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम 2022 नहीं 2023 का सबसे न्यू बेस्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला है, वो भी हैप्पी न्यू ईयर का। ठीक है जान, तो सबसे पहले आपको एंड आपके मम्मी पापा पूरे परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर का 2023 का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आज आप लोग आर्टिस्ट भी सिखाने वाले हैं कुछ इस टाइप का 2023 फोटो एडिटिंग न्यू कॉन्सेप्ट। अगर आप एक एडिटर है ना तो PNG डाउनलोड कर लेते होंगे, लेकिन आप लोग के फोटो एंड गैलरी में आप लोग का फोटो फट जाता होगा, एंड PNG आधा आधा दिखाई देता होगा। लेकिन मैं बताता हूँ क्यों आप लोग का फोटो फुल HD नहीं बना पाते हैं आप लोग बैकग्राउंड चेंज करके, एंड आप लोग का PNG क्यों कट जाता है। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है, तो अभी आप लोग सब कुछ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे। एंड आज का वीडियो बहुत ही सिंपल एंड आसान होने वाला है, क्योंकि 2022 नहीं 2023 का सबसे न्यू कॉन्सेप्ट 2023 का सिखाने वाले हैं। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चलिए जान बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो जान, हम लोग आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज का वीडियो बहुत ही फ्रेश एंड बहुत ही बवाल शानदार होने वाला है, क्योंकि आर्टिस्ट भाई एक नहीं दो नहीं तीन चार फोटो एडिटिंग सिखाने वाला है, जो आप लोगों को 2023 का सबसे बेस्ट एडिटिंग जो आप लोगों को यूट्यूब पे कोई सिखाया नहीं होगा, ना तो आज से पहले आप लोग किसी का वीडियो देख करके सीखे होंगे। सो जान देखिए कितना औसम तरीके से किया गया है। एंड हम लोग का ये फोटो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल यहाँ गैलरी में मैं आपको दिखा देता हूँ। सो जान इस फोटो को सबसे पहले क्या करना होगा आप लोग को, सबसे पहले आप लोग लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लीजिएगा, ठीक है जान। हाँ तो जान हम लोग शेयर कर चुके हैं लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। एंड आप लोग किसी का भी प्रीसेट डाउनलोड करते होंगे इस टाइम ना, तो आप लोग का प्रीसेट जो यूट्यूबर लोग का प्रीसेट डाउनलोड करते होंगे तो प्रीसेट फट जाता होगा या तो हाफ दिखाता होगा, ठीक है, फेस गायब हो जाता है, पैर गायब हो जाता है। तो मैं आप लोग इतना बेस्ट प्रीसेट देने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना होगा, ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है। शेयर के बगल में 3 डॉट बिंदु होगा, उस पर क्लिक कर देंगे। एंड जैसे आप लोग पेस्ट सेटिंग करेंगे तो आप लोग का 1 क्लिक में एडिटिंग हो जाएगा। तो सिंपली देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर, एक बार फिर से देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना सिंपल आपको शेयर कर लेना होगा ऑटोडेस्क स्केचबुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो जान हम लोग शेयर कर चुके हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सुबह लोग सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इस वाले ऑप्शन पे आकर के एक प्यारा सा छोटा सा बाबू लेयर बना लीजिएगा, ठीक है मेरे जान। सिंपली लेयर बनाना सिंपली आप लोग पेंसिल लेकर पे आ जाना होगा। इन लाइब्रेरी में यहाँ बहुत सारा टूल्स एंड बहुत सारा ब्रश आप लोग को मिल जाएगा देखने के लिए, तो सिंपली आप लोग मीडियम ब्रश यूज कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग अपने ओट को लाल करेंगे, ठीक है, ताकि फोटो में जाना यार, जब तक लिपस्टिक नहीं लगता है ना फेस के ऊपर ओट के ऊपर सॉरी, तब तक मजा नहीं आता, हम तो ऐसे एडिटिंग नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं लिपस्टिक को अप्लाई करके उसके बाद से फेस के ऊपर कलर टोन अप्लाई करते हैं, तो मजा आता है कि हाँ कहाँ कहाँ पे रेड आया है, कहाँ कहाँ पे ब्लैक आया है, ठीक है जान। इतना से देखिए कितना औसम तरीके से हम लोग का फोटो लग रहा है। इतना करना सिंपल आप लोग इस सॉल्यूशन पे आ जाएगा, लेयर पे क्लिक करके आप लोग ओपेसिटी को हल्का सा कम कर लीजिएगा आप लोग अपने फोटो के हिसाब से, ठीक है जान। इतना करना फिर से आप लोग प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके एक लेयर आप लोग बना लीजिएगा। फिर से आप लोग ब्रश वाला आइकन पे आ जाएगा, लाइब्रेरी में आ जाइएगा। लाइब्रेरी में आने में सिंपल आप लोगों को मैं एक सेटिंग वाला ब्रश बताता हूँ, अच्छा वाला, ठीक है, जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। सिंपल आप लोग इस ब्रश को यूज़ कीजिएगा एंड सेटिंग देख लीजिए, फालो को कुछ इस तरीके से आप लोगों को कर लेना होगा 11 एंड स्टैंड को आप लोग कुछ इस तरीके से 15, ठीक है, एंड साइज आप लोग अपने हिसाब से एंड फोटो को जूम कर लेना होगा एंड साइज को यहाँ हम लोग कम करेंगे ताकि हम लोग का फेस अच्छे से स्मूथ हो, ठीक है। एंड कुछ इस तरीके से अभी देखिए काम नहीं कर रहा है, तो सिंपल हम लोग इस ऑप्शन पे आकर के लेयर पे क्लिक कर देंगे, तब हमारे फेस के ऊपर ब्रश काम करेगा, ठीक है। जैसे कि हम देख लीजिए हम लोग 3 लेयर अप्लाई किए हैं, ठीक है, सॉरी जान 3 लेयर बनाए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फेस को बनाइएगा, जैसे कि देखिए कितना अच्छे तरीके से हम अपने फेस को बना रहे हैं एंड हल्का सा ना साइज को कम कर लीजिएगा, नहीं तो देखिए अगर साइज को बड़ा करके स्मूथ करेंगे तो एक ही में मिक्स हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे आर्टिस्ट भाई वीडियो में समझ में नहीं आया, फेस हमारा ब्लैक ब्लैक हो जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए जान थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देते हैं ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। हाँ तो जान बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग अपने फेस को बना चुके, ठीक है। इतना करना सिंपल आपको इस सॉल्यूशन पे आ जाना होगा एंड शेयर पे क्लिक कर देना होगा, शिफ्ट डिवाइस पे क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा गैलरी में। हाँ तो जान फोटो सेव करना सिंपली देखिए ये वाला बैकग्राउंड अगर आप लोग कहीं से डाउनलोड करेंगे एंड मेरा एंड किसी का भी प्रीसेट डाउनलोड करते होंगे डिस्क्रिप्शन से, तो वहाँ से आप लोग का प्रीसेट कट जाता होगा एंड बैकग्राउंड कट जाता होगा। तो मैं ऐसा आप लोग को न्यू बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जो आप लोग का बैकग्राउंड एंड प्रीसेट कभी कटेगा ही नहीं, ठीक है, मेरे हिसाब से डाउनलोड करेंगे मैं जो बताऊंगा, ठीक है जान। तो सिंपली बैकग्राउंड फोटो को बैकग्राउंड वाले फोटो को सिंपली आप लोग को शेयर कर लेना होगा पिक्सार्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एंड शेयर करना सिंपली आप लोग को पहले क्या करना है रीसाइज करना, ठीक है। टूल्स वाले आइकन पे आ जाएंगे, रीसाइज पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे देखिएगा 735 होगा, ठीक है, तो 4 अंक ना कोई सा भी अप्लाई कीजिएगा यहाँ से रीसाइज कीजिएगा, तो 2245 आ रहा है, तो सिंपली हम लोग 2245 कर दे रहे हैं एंड यहाँ से रीसाइज कर देंगे तो आप लोग का फोटो ओरिजिनल हो जाएगा, ठीक है, बैकग्राउंड हाई क्वालिटी हो जाएगा। एंड स्क्रॉल करके आ जाएंगे 8 फोटो पे एंड गाइस 8 फोटो पे आने सिंपली हम देखिए बैकग्राउंड को रिमूव करके रखें, ठीक है, अपने फोटो को। तो बैकग्राउंड को रिमूव किया है, अगर आप लोग को नहीं करने आता है
तो मैं आप लोग को बताऊंगा लास्ट में कैसे आप लोग फुल एचडी हाई क्वालिटी रिमूव कर पाएंगे, ठीक है ना जान। तो सिंपली कुछ इस तरीके से फोटो को एड कर लीजिएगा, एंड एड करने में सिंपली आप लोग को डन कर लेना है। डन करने फिर से आप लोग को एड फोटो पे आ जाना होगा। एंड गाइस एड फोटो पे आने में सिंपली स्क्रॉल करके आ जाएंगे नीचे या तो ऊपर, ठीक है। आप लोग देखिए कहाँ पे आप लोग का बैकग्राउंड है, ठीक है। तो थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, तो सिंपली हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 2023, ठीक है जान। तो यहाँ से हम लोग PNG पे क्लिक करके ऐड कर लेंगे, एंड कुछ इस तरीके से इसको बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है जान। बड़ा करना सिंपली आप लोग पैर के नीचे अप्लाई करके यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना फिर से हम लोग एड फोटो पे आ जाएंगे, एंड यहाँ से रीसेंट पे क्लिक कर देंगे, गैलरी वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे, एंड एल्बम में आ जाएंगे, एंड ऑल फोटोज में आ जाएंगे। फिर से आप लोग को एक और PNG ज्वाइन करना है, ठीक है। एंड यहाँ से फिर से आप लोग को ऐड करना है, ठीक है जान। ऐड करना सिंपली आप लोग सोच रहे हैं यार आडिक्स भाई ये तो ब्लैक दिख रहा है, इसको कैसे हम लोग अच्छे से करें। तो सिंपली भाई टेंशन ना लीजिए आडिक्स भाई है, ठीक है मेरे जान। सिंपली आप लोग ब्लेंड वाले ऑप्शन पे आकर के स्किन कर दीजिएगा, ठीक है। स्किन करना कुछ इस तरीके से ऊपर आप लोग अप्लाई करना है, ठीक है, हेयर के ऊपर, ठीक है जान। एंड यहाँ से आप लोग को इरेजर वाले ऑप्शन पे आकर के, एंड जो भी आप लोग का टेस्ट PNG लिखा रहता है उसको आप लोग को इरेज कर लेना है, ठीक है जान। अच्छे से आप लोग इरेज कर लीजिएगा, एंड यहाँ से आप लोग डन कर लीजिएगा। एंड इसको आप लोग बड़ा भी कर सकते हैं, एंड यहाँ से आप लोग का लंबाई भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है जान। तो आप लोग अपने फोटो के हिसाब से अप्लाई कीजिएगा। इतना करना सिंपली फिर से यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना फिर से एड फोटो पे आ जाइएगा, एंड एड फोटो पे आने रिसेंट पे क्लिक कर देंगे, फिर से गैलरी में आ जाएंगे। एंड फिर से आप लोग देखिए जो भी PNG रखे रहेंगे, ठीक है, रखे रहे होंगे या तो आप लोग के गैलरी में होगा पहले से, उस PNG को सिर्फ आप लोग को ज्वाइन करना है। तो सिंपली देखिए अब हमारे पास कौन सा PNG अच्छा वाला है, ये वाला PNG है। एंड यहाँ से हम लोग कॉर्नर में एड वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग एड कर लीजिएगा। सो भाई लोग आशा करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं एडिटिंग लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। अगर आप लोग को बैकग्राउंड रिमूव करने नहीं आता है तो ऊपर दो वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कर लेंगे, तो आप लोग फेस स्मूथ एंड बैकग्राउंड तो कैसे रेज करें फुल HD में सीख जाएंगे करना, ठीक है। एंड जो भी आप लोग का आल में मटेरियल यूज किया PNG प्रीसेट, आप लोग को प्रीसेट वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते किस नेक्स्ट वीडियो में बवाल तरीके से, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।